चाचा वोट गेरिया है जी। गेरिया है यस। किस पे? ये देखो अम्मा, देखो कितना अच्छा काम करी है, गैया को रोटी दे रही है, देख सकते हो। वोट डाल दी था ना, बता ना काम बिगड़ दिया मेरे सूत्र किसा दी वही अपना कमल। ये जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ में हमारे गली के बच्चे, देख सकते हो यहाँ डालू कर रहे हैं। वोट गेरिया किस पे? साइकिल पे। साइकिल पे भैया, हमारा तो कमल है भैया। जय श्री राम। तो दोस्तों देख सकते हैं अपने गली मोहल्ले के बच्चे मस्ती मार रहे हैं, और अभी हमारे मनोज भाई का पता चला नहीं है। कहाँ है वो? हाँ, वोट डलवाने गया यार दोस्तों। आज हमारे मेरठ शहर में वोट डल ली है। 26 अप्रैल है ना, 26 अप्रैल को वोट डल ली है दोस्तों। अब वोट डालने का सीधा मकसद यही है भैया कि बढ़िया नेता, यानी बढ़िया नेता अपने देश का बनना चाहिए। हमारे मोदी जी बन जा, वही बढ़िया, और तो सब हमें चोल लगते हैं भैया। बस कहने वाली बात नहीं है, थोड़ा शांति रखो, ज़्यादा बात नहीं कहनी है, ऐसे शब्दों पर विवाद हो जाता, सॉरी। पर मोदी से बढ़िया मैं कोई भी देश का प्रधानमंत्री नहीं मानता। बढ़िया काम करवाएं यार, अच्छे काम करवाएं। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों मनोज भाई के पास में। मनोज भाई नाई की दुकान पर हैं, तो उनसे हम बातें करते हैं, और हमारे नीशू भाई भी आ रहे हैं साथ में। तो देखते हैं भैया क्या हो रहा प्रोग्राम। चाचा वोट गेरिया है जी। गेरिया है किस पर? कौन आगे चल रहा है सबसे? आगे कौन चल रहा है? साइकिल। साइकिल चलो या हाथी चलो, पर कीचड़ में खिलेगा कमल ही। तो भैया ये देख सकते हो हमारे मनोज भाई। ओ नीशू कहाँ है? तो पुलिस वुलिस वाले यार बहुत, काफी भीड़ लग रही है भाई। सबसे आगे कौन चल रहा है? कमल ही चल रहा दिखा है, लोग साइकिल साइकिल बता रहे हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चल रहा है भैया कमल, क्योंकि कीचड़ में कमल खिलेगा, कमल कहो कुछ भी बनेगा मोदी। ये देख सकते हो, ये समय बर्बाद कर रहे हैं युवा आज के, ये देख सकते हो। तो वोट गेर कहा मेरे सूत्रे? उधर से दोबारा। तो तुम 24 साल के हो रहे हो, तुम्हारी वोट नहीं बनी है, तुम अपना अधिकार कब समझोगे? और क्या ना ब्रो, अभी वोट ना दे रही तुम ना। अबे यार तुम भी ऐसे ही हो, वोट डाल लो यार, अपना अधिकार लो पूरा यार। तो धूप तो हो ही रही है यार दोस्तों, धूप बहुत कैड़ी हो रही है, गर्मी का महीना भैया अप्रैल चल रहा है। चलो तो दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, पुलिस वुलिस भी उधर खड़ी है, मैंने तुम्हें दिखाई है एक झलक, क्योंकि ज्यादा कैमरा खोलना अलाउड नहीं है उधर की साइड, डंडा छोड़ देंगे वो। बहुत गुस्से में पुलिस वाले नुकारे, दूर दूर दूर। ये देखो अम्मा, देखो कितना अच्छा काम करी है, गैया को रोटी दे रही है, देख सकते हो। अम्मा राम राम, ठीक हो? वोट दे रही है अम्मा? बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। किसका गेर का ही? ये देख सकते हो चाउमीन वाले भैया, 10 रुपए की चाउमीन लगाना, वो सब बढ़िया, यही तो वोट आई ना होगी। ये देख सकते हो हमारे गुच्ची भाई आ चुके हैं, वोट गेरिया मेरे सूत्रे, कुछ तो काम ढंग का कर लो, अपने अधिकार को समझो। आजकल के युवा नहीं समझेंगे वोट डालने का महत्व, क्यों जी अंकल जी? गाली देने का सब बना लेंगे, हैं? गाली देने का सब बना लेंगे, हाँ, और वोट देने का नहीं बना लेंगे। और ये देख लो, गाली तो ये इनके मुंह में दिलबाग मिलेगी, कुबेर भी मिल सकती है। बकचोदी क्या कर रहे हैं? अपना अधिकार समझ। मेरा भाई, मेरा जो भाई बच्चे भाई, सच में डाल रहा हूँ। A few moments later. तो ये आ गए हमारे नीशू भाई, वोट डाल दी था ना, बता ना काम बिगड़ दिया मेरे सूत्र किसा दी वही अपना कमल। ये सेम पार्टी के, बीजेपी जिंदाबाद। ये देखो बहन जो दल्ले कह रहे, तुम्हारा बाप हुआ? अब हमारा बाप तो वही है जो धर्म की और देश की रक्षा करेगा, वो हमें उस पर उठ देंगे, समझ रहा? हम किसी को आरक्षण आरक्षण को वोट नहीं देंगे। अरे भैया तुम्हें ना पहचाने, और किसे पहचाने मेरे भाई, और सब बढ़िया है? हैं? अरे भाई सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारा तो सहारा ही है यार। दोस्तों ये देख सकते हो अपने भाई हैं, फैन हैं ये, और ये कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत पहले मिला था मैंने, कोई बात नहीं। निशु चला भी चला, अरे निशु कुछ खवा पिवा दे यार, आज तो बहुत दिया। मार्केट बंद है बाबले, पैसे वालों के लिए मार्केट खुली रहा है, पता तुझे? दोस्तों ये देख सकते हो सामने पुलिस वाले खड़े हैं, मैं ज्यादा कैमरा खोल नहीं सकता क्योंकि भैया तनक से मैं सूट साध दें लठवट तो कौन देखेगा। ये स्कूल है, इसमें बोर्ड पड़ी है भैया, ये देख सकते हो सरस्वती शिशु मंदिर। ये देख सकते हो बहुत ज्यादा काफी भीड़, राम राम भैया। हाँ किस पे लगाओगे? हम तो फूल वाले हैं। अरे ये तुम तो अपनी पार्टी वाले हो। सही है बीजेपी, ये देख सकते हो
कमल का फूल कभी ना भूल। जय श्री राम। यहाँ बोट चेक कर रहे हैं भैया। मनोज तू भी दिखवा ले एक बार आगे। नाई भैया ये 25-25 साल के हो रहे हैं, तुम कब बोट बनवाओगे यार? कब तुम अपना अधिकार समझोगे? सही बात ना भाई, तुम 25-25, 26-26 साल के हो रहे हो। अबे तुम्हारा शरीर तो बालक जैसा है, उम्र तो तुम्हारी काफी हो रही है। बालक बालक को फंसा रहा था, अपने आप को बालक समझ रहा है। क्यों भाई, अपना अधिकार समझना चाहिए दोस्तों। ये वोट गिनने का अधिकार सभी को है, वोट गिनना चाहिए। बेशक तुम किसी को भी डाल लो, बीजेपी को डाल लो, कांग्रेस को डाल लो, आरती को डाल लो, किसी को डाल लो, ये देख सकते हो। वाइफ के आगे तुम कौन सा कार्यकर्ता बने हुए हो? बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ता। जय श्री कहा जा रहा है भाई? इनकी वोट तो दिखवा दे भैया। भैया डाल दी वोट? अभी ना डाली। ये देख सकते हो भाजपा के कार्यकर्ता लगे पड़े हैं वोट लिस्ट में। हैं? आरएसएस। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। लगे रहो लगे रहो। चला भी चला। मनोज कहाँ गए हो? चाले कैमरे में कैद कर लूंगा, रहन दे, बुद्धि खराब हो रही है। नीचे जा रहा तू? हैं? तो निकल ले तू, हमारी आंखों के सामने तो करक राम। ठीक है, सही चला रही है, सही सलामत। ठीक है, अपनी रेंज रोवर को सही चला रही है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। ठीक है, और वोट डाल कर आ चुके हैं नीतू भाई अपने, क्योंकि नीतू भाई की वोट आई है, हमारी कोई वोट नहीं आई ना। हमने अपनी वोट बनवाई ना, बनवाने की कोशिश करी, क्योंकि सरकार फिर भी अपनी नहीं आने की है। हम भी दोस्तों एक पार्टी बनाने की सोच रहे हैं, उस पार्टी का नाम रखेंगे रंडवा पार्टी। उसमें सारे रंडवे वोट डाल रखेंगे, और जिस दिन हम जीत जाएंगे फिर उन रंडुओं के लिए एक एक रसीद लाएंगे। बस ये काम होगा अपनी पार्टी। तो चलें घर को चल लें, और क्या दोपहर में क्या करेंगे, खाना गले में घूमते फिरे जाएंगे, चार लोगों की नज़र में खटेंगे। मनोज और बढ़िया कर दिया प्रिंट तेने। ये देखो भैया, अपने मनोज भाई ने प्रिंट करा है। बस तू मनोज पेंट का काम कर ले यार, तेना पुताई तेने करवा ली, पेंट तेने कर दिया है, तू भी कलाकार हो रहा है। ऑलराउंडर। भैया हम अपने कमरे पर आ चुके हैं, बड़ी राहत मिली है। तो दोस्तों अपने लोकसभा के चुनाव जो हैं, जब भी परिणाम आएगा उनका, कब आएगा मनोज? क्या तारीख को आएगा परिणाम? 4 जून को आएगा भैया परिणाम। ठीक है, और हमारे मेरे शहर से भैया कमलिया भी, कमलिया आगे चल रहा है। तो दोस्तों फिलहाल तो हम इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं। जो हमने तुम्हें दिखा दिया गली मोहल्ले के जो सीन थे, वो तुम्हें मैंने दिखा दिया यहाँ का माहौल कैसा है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बनाए रखिए हैं, कमल का बटन दबाते रहो और अपना भी सब्सक्राइब वाला बटन दबाते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।